नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है बुधवार, गुप्त नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। दोस्तों, आज बुधवार है, राहु और केतु को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, तो इन दिनों में यदि आप ये जो छोटे मोटे टोने टोटके हैं इनको करते हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त रूप से असर करता है। राहु यदि आपके लाइफ में काम कर जाए, आप पर प्रसन्न हो जाए, तो आपके घर में धन का ढेर लगा देगा। हर व्यक्ति को व्यसन से, कोई भी जात का व्यसन हो, उसे मुक्त करवा देगा। आप देखना, जब राहु आप पर राहु की कुदृष्टि होगी, तो व्यक्ति जबरदस्त रूप से किसी न किसी चीज का उसको एडिक्शन होगा और होगा। और राहु यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, व्यक्ति बिल्कुल सही दिशा में चलेगा, बड़े बड़े काम करेगा। आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि ये इंसान इतना सब कुछ कर सकता था। वो ऐसे ऐसे निर्णय लेगा, बड़े बड़े काम करेगा और उसमें महारत हासिल करके वो खूब पैसे कमाएगा, धन का ढेर लगा देता है व्यक्ति। तो दोस्तों, आज बुधवार है और पहली ही नवरात्रि है, तो आज क्योंकि कोई भी टोना टोटका गलत चीज को यदि आपको खत्म करना है, भगाना है, क्रूर ग्रह जो भी हैं, क्रूर ग्रहों को प्रसन्न कर देना है, तो संध्या समय बहुत ही अच्छा समय होता है करने का। तो आज आप शाम को 7 बजे से लेकर के कभी भी रात को जब भी आपके पास समय मिल जाए, आप ये छोटा सा काम जरूर करें। आप देखेंगे राहु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, बुध आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और क्योंकि ये समय ऐसा है, बहुत मजबूत है, आपका किया हर काम सफल होगा। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों, हमेशा बताती हूँ, 4 का अंक जैसे शनि से जुड़ा है, ऐसे ही 4 का अंक राहु से भी जुड़ा हुआ है। जीरा दूसरे ग्रहों को जैसे प्रसन्न करते हैं, वैसे ही राहु को भी प्रसन्न करते हैं। तो जीरा के जो दाने हैं वो आपको लेने हैं, आपको 4 चुटकी, बिल्कुल छोटी छोटी सी चुटकियां लेनी है, 4 चुटकी आप जीरे की लेनी है। जो जीरे से आप खाना बनाते हैं, वही जीरे की मैं बात करती हूँ। जीरे की आपको 4 चुटकी लेनी है। और आज के दिन आपको 2 काली मिर्च, कितनी? 2 काली मिर्च गिन करके लेनी है। 4 दाने आपको मूंग दाल के लेने हैं, मूंग दाल बुध से जुड़ी हुई है। काली मिर्च आपके घर के तमाम टोने टोटके को दूर करती है, धन की वृद्धि करती है। जीरा आपके राहु को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तीनों ही चीजों को आप ले लें और एक तेज पत्ता के ऊपर रखें। तेज पत्ता दोस्तों जहां भी जलता है, तमाम नेगेटिविटी को दूर भगा देता है। कितना भी बड़ा भूत पिशाच आपके पड़ोस में क्यों ना खड़ा हो, आप एक तेज पत्ता जला दें, आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपके अंदर से जो डर भय आपको लग रहा था वो चला गया। जब तक तेज पत्ते का धुआं आपके इर्द गिर्द है, कोई भी बुरी आत्मा आपको टच नहीं कर सकती। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, तेज पत्ता घर में संध्या समय जरूर जलाया करें। तेज पत्ता दोस्तों पर्स में रखने से धन की भी जबरदस्त वृद्धि होती है। तेज पत्ता पर यदि आप हनुमान जी का मंत्र लिख करके उसको प्रज्वलित करते हैं, वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो आपको ये तीनों ही चीजें तेज पत्ता के ऊपर रखनी है, ठीक है। और इन चीजों को लेकर के पहले आपको पूरे घर में अपने घुमा देना है। घुमा करके इसको आपको अपने घर के नैऋत्य कोने में रख देना है। बार बार हमारे काफी सब्सक्राइबर्स पूछते हैं नैऋत्य कोना कौन सा होता है। बता दूं मैं आपको, दक्षिण पश्चिम के बीच का जो कोना है वो नैऋत्य कोना होता है। आप खड़े हो जाए अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और देख ले, ये दक्षिण है, पश्चिम कौन सी है, जहां से सूरज ढलता है वो पश्चिम है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो बीच का जो कोना है वो नैऋत्य होता है। यहाँ पर दोस्तों वैसे भी यदि आप सिर्फ धुआं करते हैं, मतलब धूप बत्ती भी जलाते हैं,
तो उससे भी राहु और केतु प्रसन्न होते हैं और आप पर जबरदस्त कृपा बरसती है। तमाम प्रकार की शक्तियां आपको शुभ आशीर्वाद देती हैं। एक अनजान दुनिया है शक्तियों की, वहां से शक्तियां आपकी मदद करने लग जाती है, क्योंकि इस कोने में सिर्फ धुआं करने से भी ये शक्तियां आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि केतु प्रसन्न हो जाते हैं, राहु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो धन का ढेर लग जाता है। तो इस जगह पर इन चीजों को यदि आप जलाते हैं तो आपकी किस्मत ही चमकेगी। यदि आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं, अगर इस कोने पर आप धुआं भी करते रहेंगे किसी भी चीज का एवरीडे ना कर पाए, बुधवार के दिन रविवार के दिन भी करते रहेंगे तो भी आपकी किस्मत चमकती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन तमाम चीजों को घर के इस कोने में रख देना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा तिल या सरसों का तेल डाल देना है। यदि काला कपूर घर में है तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा फिर जो भी कपूर हो आप उसको तोड़ करके छोटे छोटे से टुकड़े करके इसके ऊपर डाल दें और इसको जला दें। जलाएं ऐसे दोस्तों कि पूरा जल करके खाक ना हो जाए। जलने के बाद इसका धुआं थोड़ी देर उस जगह पर निकलता रहे, कुछ देर तो इस धुएं को वहां पर आप फैलने दें बस। जब ये तमाम चीजें जला देते हैं आप, धुआं उस जगह पर कर देते हैं आप, उसके बाद इन तमाम चीजों को उठा करके जो आपके घर का नैऋत्य कोना है मतलब बाहर की तरफ आपको इसको उठा करके फेंक देना है। छोटा सा टोटका है दोस्तों, 2 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, लेकिन ये चीज आपकी लाइफ में हमेशा आपकी मदद करती रहेगी। छोटे छोटे टोटके दोस्तों करते रहने से काफी बड़े बड़े काम निकलते रहते हैं। कितनी बार हमको ऐसा लगता है हमने ये उपाय तो किया था, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, रात भी हो गई, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन, कुछ मिला ही नहीं। ऐसा मत सोचो, करो, करते रहो, फल तो अपने आप ही मिलना है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना। कर्म करो और मन से करो। जय श्री कृष्ण।